इंदौर की चमेली देवी पब्लिक स्कूल और अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रबंधन को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम के सामने अंततः घुटने टेकने पड़े। दरअसल दोनों ही स्कूलों ने अंतिम तारीख तक आईटीई के तहत होने वाले एडमिशन रोक रखे थे। जब इस मामले में प्रशासन ने मोर्चा संभाला, जमकर प्रेशर बनाया तो स्कूल मैनेजमेंट ट्रैक पर आया और दोनों स्कूलों में कुल 56 बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो सकी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अंततः गाहे बगाहे कई तरह के प्रेशर बनाकर इंदौर की चमेली देवी पब्लिक स्कूल और अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रबंधन को आईटीई के तहत 56 बच्चों के एडमिशन के लिए राजी किया। खास बात यह है कि दोनों ही स्कूलों में हठधर्मिता के चलते शुक्रवार अंतिम दिन तक प्रक्रिया शुरू नहीं की थी, लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम ने दोपहर 12 बजे से प्रेशर बनाना शुरू किया, शाम ढलते ढलते स्कूल प्रबंधन राजी हो गया। राइट टू एजुकेशन के तहत जो वंचित और गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको एडमिशन स्कूल द्वारा दिया जाना था। इस साल 40 बच्चों को चमेली देवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन होना था और आज इस एडमिशन की अंतिम तिथि थी। शिक्षा विभाग द्वारा इनको फतत पत्राचार किया गया, स्मरण पत्र भी जारी किए गए कि आप अभी 40 बच्चों को एडमिशन दें। इनके द्वारा कल तक एक भी एडमिशन नहीं दिया गया था। आज सुबह मैं खुद, मेरे तहसीलदार, शिक्षा विभाग के अधिकारी आए थे, इनको समझाइश दी गई थी कि आप बच्चों को एडमिशन दें, आज अंतिम तिथि है, अगर आप एडमिशन नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बट शाम को 5 बजे तक उन्होंने एक भी एडमिशन नहीं दिया गया। इसी के तहत आज हम लोग स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने और उसको स्कूल को सील करने के लिए आए थे। प्रबंधन से बात की और स्कूल में जो छात्र जितने पढ़ते हैं, और इन्होंने कल पेरेंट्स मीटिंग भी रखी थी, तो उसको हमने एक वैकल्पिक रूप से सूचना दिलवाने का प्रयास किया कि ये वो कल ना आए क्योंकि हम स्कूल सील करने वाले हैं। जब ये बात इनके प्रबंधन को मालूम चली और वो फिर तैयार हुए कि हम देने को तैयार हैं, इन्होंने हाई कोर्ट का भी कोई आदेश की कॉपी नहीं दी हमारे पास में, तो फाइनली ये लोग अब एडमिशन देने को तैयार हुए। तभी हमने सभी अभिभावकों को सूचना दी है, सभी आ रहे हैं और आज ही एडमिशन पूरे कराएंगे। शिक्षा विभाग ने इनको सतत पत्राचार किए, स्मरण पत्र भी जारी किए और शिक्षा विभाग ने ही जिला प्रशासन की मदद लेके यहाँ कार्रवाई करवाना प्रस्तावित किया है। तो शिक्षा विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है और हम लोगों ने भी आज पूरा प्रयास किया कि सभी बच्चों का एडमिशन हो जाए। ये अग्रवाल पब्लिक स्कूल में जो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कुछ बच्चे और पेरेंट्स उनके गए थे कलेक्टर महोदय के समक्ष ये आवेदन लेकर कि अग्रवाल पब्लिक स्कूल द्वारा जो एडमिशन है आरटी के अंतर्गत वो नहीं लिया जा रहा है। तो जिसके लिए आज सुबह ही आकर शिक्षा विभाग एवं प्रशासन द्वारा इनको अवगत कराया गया कि क्या नॉर्म्स हैं आरटी के और उसके अंतर्गत इनको एडमिशन लेना होगा। तो इनके द्वारा अभी ऐसी सहमति जताई गई है कि एडमिशन हमारे द्वारा लिया जाएगा, नहीं तो अन्यथा हम इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए थे। परंतु अब जैसा कि स्कूल प्रशासन द्वारा एडमिशन बच्चों का जारी कर दिया गया है और अभी एक दो बच्चों का शुरू हो गया एडमिशन, तो इसके उपरांत जो बच्चे हैं जिनको आरटी के अंतर्गत एडमिशन प्राप्त होना है वो कार्रवाई ये पूर्ण करेंगे। तो इससे फिर कार्रवाई जो इनके अगेंस्ट होने वाली थी वो अभी नहीं की जाएगी। जैसे स्कूल संचालकों ने बच्चों के अभिभावकों को फोन किए, सभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने स्कूल पहुंच गए। सभी पेरेंट्स ने जिला प्रशासन की इस पहल की जमकर तारीफ की। मैं एडमिशन मिलने पे सबसे पहले तो बच्चों को भी और प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके दबाव के कारण आज अग्रवाल पब्लिक स्कूल के द्वारा बच्चों के जो आरटी के एडमिशन के लिए आए थे अभी 7:45 बजे के लगभग उनके एडमिशन किए हैं, वो दबाव में किए हैं, लेकिन ठीक है किए, तो मैं धन्यवाद देता हूं और प्रशासन और शासन का आभार मानता हूं। क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा जी के से भी मैंने संपर्क किया था, उन्होंने भी बात की थी कलेक्टर से
और सभी का सहयोग रहा और सभी बच्चों का एडमिशन हुआ। मैं लगभग आज आखिरी तारीख थी एडमिशन की, और चूंकि हम अभी स्कूल में हमें 15 या 16 तारीख से लगे थे, तो आज जाके अभी आखिरी तारीख में भी आज रात को 7:15 बजे इन्होंने एडमिशन दिया है दबाव में। ठीक है, बाकी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने। आपका नाम? एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रही थी, मैं 3-4 दिन से मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब मेरी जीत ही होगी, इसलिए अभी मुझे कॉल आया तो मुझे बड़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती सर। सर बहुत अच्छी खुशी की बात है कि प्रशासन ने सबकी सहमति से सबके साथ सबका अच्छा सोचा और सबका फायदा हुआ उसमें। सर मैं 8 दिन से लगातार यही कारणवश मैं काम पे भी नहीं गया, यहाँ पर ही रहा। जी सर, मैंने आवेदन दिए थे BRC ऑफिस, आवेदन दिया मैंने अपने DPS में, आवेदन दिया मैंने और स्कूल में मैं लगातार रहा, मैं टच में। खुशी की बात है सर। बस हमारा इतना निवेदन है कि जैसे स्कूल में पढ़ा रहे बच्चे उनको, हमारे बच्चे उनको भी ऐसे ही पढ़ाई मिले बस। दरअसल पूरे मामले में जिला प्रशासन ने अच्छी भूमिका निभाई। प्रेशर बनाने के लिए चमेली देवी पब्लिक स्कूल के 5 गेट सील करना पड़े, फायर सेफ्टी उपकरण चेक करना पड़े, अन्य पेंडेंसी निकालनी पड़ी, तब जाकर प्रबंधन झुका। वैसे प्रबंधन पुराने नियम की दुहाई दे रहा था तो प्रशासन नए नियम पर एडमिशन चाहता था। खैर, देर आए दुरुस्त आए की तरह शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यवाही रंग लाई और बच्चों का अधिकार उन्हें मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।